हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने 10th क्लास की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट उसका थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट यानी उड़ान के बारे में दो कहानियां। तो हमने इसकी फर्स्ट पार्ट में एक स्टोरी को पढ़ाया था इज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान। उसकी पहली उड़ान में था कि किस प्रकार एक छोटा सा समुद्री पक्षी होता है सीगल जिसका नाम होता है वो उड़ने से डरता है क्योंकि बहुत छोटा होता है, लेकिन आखिरकार वो उड़ पाने में सफल हुआ या नहीं ये हमने जाना था। तो वो उड़ने में किस प्रकार से यानी उड़ान लेने में उसने किस प्रकार से काबू पाया अपने भय पर, इसको हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट ब्लैक एयरोप्लेन। ब्लैक एयरोप्लेन में जो दिया हुआ है वो है एक पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट तूफानी बादलों में गुम हो जाता है यानी बादल घने काले बादल होते हैं उसमें गुम हो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, यदि वो पहुंच जाता है तो उसकी मदद कौन करता है। और बाय द वे अगर वो नहीं पहुंचता है तो आखिरकार उस पायलट के साथ और उसके एरोप्लेन के साथ में क्या होता है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमको ये लेसन को पढ़ना है समझना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन इसकी वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में इस वर्ड मीनिंग्स अपन इसको जरूरी है कि अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन करें और उसमें भी लिख लें कॉपी में नोट करें। और इस वोकैबुलरी जब तक अपनी स्ट्रांग नहीं होगी जब तक हम अंग्रेजी में पीछे रह जाएंगे। तो दो चीज जरूरी है, एक तो वोकैबुलरी और एक ग्रामर। तो वोकैबुलरी में इसका यानी कि वर्ड मीनिंग कंट्रीसाइड ग्रामीण क्षेत्र लुकिंग फॉरवर्ड आशा करना नोज अग्रभाग यानी जो आगे का भाग होता है उसको नोज इमीडिएटली तत्काल तुरंत कंपास दिशा सूचक यंत्र को कंपास बोलते हैं। ट्विस्टेड मीन्स लहराना यानी लहराते हुए चलना आड़ा तिरछा जिस प्रकार से पक्षी उड़ता है उसी प्रकार से ट्विस्टेड को बोलते लहराना। तो आइए लेसन को शुरू करें। The moon was coming up in the east behind me, यानी मेरे पीछे चंद्रमा ऊपर की तरफ पूर्व में आ रहा था। And the stars were shining in the clear sky above me, और मेरे ऊपर साफ आसमान में यानी कि बिल्कुल स्वच्छ आसमान था जिसमें तारे टिमटिमा रहे थे यानी तारे चमक रहे थे। There wasn't cloud in the sky, आसमान में कोई बादल नहीं था यानी कोई प्रकार का कोई जरा सा भी एक संकेत भी नहीं था यानी बिल्कुल साफ था आकाश। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, मैं सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव के ऊपर से प्लेन उड़ रहा था, सोते हुए गांव के क्षेत्रों के ऊपर से और जो अकेला मैं ऊंचाई पर था उससे मैं बहुत खुश था। I was flying my old डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं मेरे पुराने डकोटा जो वायुयान था उसको फ्रांस से इंग्लैंड आने के लिए उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई होलीडे, मैं अपने छुट्टियों के सपने देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब आशा करना। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली, और मेरे परिवार के साथ होने की आशा कर रहा था यानी कि अब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मेरे परिवार के साथ रहूंगा, ऐसा वो मन में सोचता हुआ अपना उड़ान भरे हुए था। आई लुक्ड एट माय वॉच, मैंने मेरी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजा था यानी 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल रूम यानी कि जहां से वायुयान को नियंत्रण किया जाता है जहां से उनको दिशा प्रदान की जाती है निर्देश प्रदान किए जाते हैं उसको अपन कंट्रोल रूम बोलते हैं। तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल यानी पेरिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क करना चाहिए, उसको फोन करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज, जब मैंने ठीक सामने अग्रभाग की तरफ देखा यानी नोज, नोज का मतलब अग्रभाग, अग्रभाग की तरफ देखा ऑफ द एरोप्लेन, वायुयान
के अग्रभाग की तरफ देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरे सामने एक बड़े शहर की रोशनियां दिखी, बड़े शहर की लाइट दिखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को चालू किया। स्विच्ड ऑन, रेडियो चालू करना और स्विच्ड ऑफ, ऑफ का मतलब बंद करना। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को चालू किया। पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हियर। पेरिस कंट्रोल यानी पेरिस नियंत्रण कक्ष, डेकोटा DS-88 यानी कि उसके वायुयान का नाम था डेकोटा DS-088। यहां डेकोटा DS-088 है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं मेरे इंग्लैंड जाने के मार्ग पर हूं, यानी कि मैं इंग्लैंड की रास्ते पर हूं। ओवर, ओवर का मतलब समाप्त, यानी अपनी बात को समाप्त। जब ओवर बोला जाता है, इसके बाद में सामने से आपको जवाब मिल सकता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत रेडियो पर एक आवाज ने मुझे उत्तर दिया। तत्काल ही रेडियो पर एक आवाज ने, एक ध्वनि ने मुझे उत्तर दिया, यानी रेडियो पर से एक आवाज उत्तर के रूप में आई। DS-088, आई कैन हियर यू। DS-088, मैं आपको सुन सकता हूं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 नाउ, ओवर। अब आपको 12 डिग्री अक्षांश पर मुड़ना चाहिए, टर्न माने मुड़ना। DS-088 ओवर, यानी 088 से उसने कहा कि आपको पश्चिम की तरफ 12 डिग्री पर मुड़ना चाहिए। आई चेक द मैप एंड द कॉम्पास, मैंने नक्शे को जांचा, परखा और कॉम्पास को यानी दिशा सूचक को देखा, दिशा सूचक को जांचा। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने मेरे दूसरे और अंतिम ईंधन के टैंक को, यानी कि जिसमें ईंधन भरा रहता है, तो फर्स्ट टैंक था उसका शायद समाप्त हो गया होगा, इसलिए उसने जो दूसरा ईंधन का टैंक था उसको स्विच ओवर किया, यानी कि चालू किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री, और डेकोटा को 12 डिग्री पर घुमा दिया, यानी मोड़ दिया पश्चिम की तरफ, 12 डिग्री पर मोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ, यानी कि मैंने इंग्लैंड की तरफ पश्चिम की ओर 12 डिग्री पर डेकोटा को मोड़ दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय होऊंगा, यानी मैं नाश्ते के समय घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो घर के बारे में तो सोच ही रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा अंग्रेजी, एक बहुत ही अच्छा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन इजी फ्लाइट, ये एक बिल्कुल आसान उड़ान थी, ये बिल्कुल एक सरल उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, मेरे पीछे पेरिस लगभग 150 किलोमीटर था। वेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, यानी जब मुझे बादल नजर आए तो पेरिस मेरे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। स्टॉर्म क्लाउड, और वो बादल कैसे थे? तूफानी बादल, स्टॉर्मी स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी तूफानी, तूफान भरे बादल थे, यानी वो तूफान आ रहा था। दे वर व्यू, बहुत विशाल थे, वो बहुत विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई अक्रॉस द मी अक्रॉस द स्काई। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वे पूरे आसमान में मेरे समक्ष पर्वत, काले पर्वतों की तरह खड़े हुए दिखाई देते थे। आई न्यू, मुझे पता था, मैं जानता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं उनके ऊपर से या उनके पार नहीं जा सकता, उड़कर, मैं उड़कर उनके पार नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास उत्तर या दक्षिण में उनको पार कर उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, यानी कि वो वहां से उन जो बादल थे, काले घनघोर जो बादल थे, उनको पार करके नहीं जा सकता था,
और उसका कारण था कि उसके पास में पर्याप्त ईंधन भी, यानी द्वितीय टैंक उसने चालू कर दिया था, सेकंड नंबर का टैंक उसने चालू कर दिया था और उसके पास अब इतना ईंधन नहीं बचा था कि वो पश्चिम या दक्षिण की तरफ बादलों को पार करके जा सके। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापिस पेरिस चला जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु मैं घर पहुंचना चाहता था, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता चाहता था, यानी कि जो मैं सोच रहा था, जिस अंग्रेजी नाश्ते के बारे में मैं सोच रहा था, मैं उस नाश्ते को करना चाहता था, यानी कि उस अल्पाहार को खाना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं जोखिम उठाऊंगा। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और सीधा उस पुराने डकोटा को तूफान में उड़ा दिया, यानी तूफान की तरफ उड़ाने लगा। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों में एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक से काला हो गया, क्योंकि उसने तो उड़ा दिया, तो एकदम वो बादलों के बीच में पहुंच गया तो सब कुछ वहां काला सा उसको दिखने लगा, यानी उसको कुछ भी दिखाई देना बंद सा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन, हवाई जहाज के बाहर देख पाना असंभव था, यानी कि मुश्किल था, असंभव ही था कि हम एयरप्लेन से बाहर देख पाए अंधेरे में। द ओल्ड एयरप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना वायुयान था वो उछला, हवा में उछला और लहराया, ट्विस्टेड मीन्स लहराया, इधर उधर मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया, यानी जब दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इस कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र की स्थिति ऐसी हो सकती है, जो उसने कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र जो उसको बता रहा था उस पर उसकी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, क्योंकि वो दिशा सूचक जो यंत्र था वो गोल गोल घूम रहा था, यानी कि उसकी सुई रुकी नहीं पा रही थी, गोल गोल घूमती जा रही थी। इट वॉज डेड, वो मृत हो गया था, मीन्स खराब हो गया था, यानी कि कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे उपकरण थे, जो अन्य उपकरण थे, वो भी अचानक से खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चालू करने का प्रयत्न किया, यानी रेडियो के माध्यम से बात करने का प्रयास किया कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, यानी पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब जो इसका आगे का भाग है उसको देखने के लिए आप वीडियो के साथ में बने रहिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी जो आने वाली वीडियो है वो आप चूक कहेंगे नहीं, इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट, यानी पार्ट नंबर 3। बाय, थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.